हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है 11 है ना रे, 11 अक्टूबर दुर्गा पूजा चल रहा है। आज दुर्गा पूजा का षष्ठी है। मैं तो यहाँ जमशेदपुर आई हूँ फ्रेंड के पास शॉपिंग के लिए, और पूजा भी घूमूंगी थोड़ा बहुत। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग ब्रश करके फ्रेश हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या है, हम लोग क्या ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। चलो ऐसा कुछ तो बाहर नहीं, क्या नहीं कुछ वैसे कुछ बाहर नहीं आ जाएंगे तुरंत, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे ना। ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं हम लोग, देखिए। कोई भी बार दाव खान की जम चबाए ना इन दादा इन खान बार दाव बार मी ग्रुप खान की जम चबाए ना चला हाँ दाव का और ने बटर और जैम और हाँ ताली ना और मिटन जिनिस नेल पे ना मिटन जिनिस तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट ले लिए, देखते हैं और क्या लेते हैं। चलिए हो गया। देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट ले लिए हैं, ब्रेड बटर जैम और दूध। तो ये है डिमना लेक जाने वाला रोड, अभी हम लोग रूम वापस जा रहे हैं। सुबह से बहुत भीड़ है देखिए रास्ता में। सब्जी वगैरह भी निकल गया। अभी रूम रिटर्न जा रहे हैं, जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये लेक जाने पटमदा वाला रोड है, ये लेक भी यही रोड जाता है और पटमदा भी यही रोड।
रोड जाता है, तो वही रोड इसलिए देखिए सुबह से भीड़ है, काम करने वाले लोग ट्रैवल करने वाले लोग आते जाते हैं, तो इसीलिए सुबह से घुमा रही है मेरे को। देखिए देखिए ये दादू है, कोई नहीं वीडियो है, वीडियो है बता। ये देखिए ये है डिमना मोड़, इधर से भी गाड़ी आती है उधर से भी गाड़ी आती है, तो मुझे बहुत संभल के वीडियो करना पड़ रहा है क्योंकि बीच रोड ये तो मेन रोड है ना। तो फ्रेंड्स देखिए हम रूम पहुंच गए, ब्रेकफास्ट लेके आ गए हम लोग, तो ब्रेकफास्ट में है ये देखिए, ये है ब्रेड और ये बटर और ये जैम, ये ब्रेड बटर जैम और ये देखिए ये है हाफ लीटर वाला सुधा मिल्क। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे मतलब गरम करेंगे, तो चलिए ब्रेकफास्ट कैसे करते हैं, ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। बटर बाजे मस्ते डालडा ते कमी चला ऐसे गरम करके हम ब्रेड ऐसे भी खा सकते हैं बट ऐसे गरम करके खाने से अच्छा रहता है, मज़ा आता है। बस मैं अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये जैम है हम लोग का और ये देखिए बनाना ब्रेड, ये देखिए इसको हमने मेकओवर किया इस तरह से, ये देखिए हम लोग इस तरह बना के खा रहे हैं, ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड में देखिए इस तरह से हम लोग जैम को चारों तरफ ब्रेड के चारों ओर फैला दे रहे हैं ताकि मीठा हो। हम लोग बटर लेके ब्रेड को गरम किए हैं, तो आप लोग इसमें रिफाइंड ऑयल या डालडा कुछ भी हो जो भी लेके आप लोग गरम कर सकते हैं, ये तो नए से ब्रेड भी गरम कर सकते हैं। हम लोग को बटर अच्छा लगता है इसलिए हम लोग बटर लेके इसको गरम किए, तेल या कोई भी ऑयल या डालडा लेके भी आप गरम कर सकते हैं, और इस तरह से हमने जो बनाना कटिंग किया उसको इस तरह डाले। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आप लोग कभी ट्राई नहीं किए होंगे इस तरह से, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार और बताइएगा कि कैसा है। ये जिस तरह से यम्मी टेस्टी दिख रहा है वैसे ही है, आप लोग पक्का ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा नहीं कि हाँ हम लोग सच ही बोल रहे थे। देखिए अगर किसी को अपना मोटापा बढ़ाना होगा तो
इस तरह से आप लोग रेगुलर ब्रेकफास्ट कीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग मोटे हो जाओगे। मैं रेगुलर ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं जब से फ्रेंड के पास आई हूँ तो हम लोग ऐसे ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, वरना रेगुलर घर में इतना कुछ नहीं मिलता है। गांव में रहती हूँ तो घर में इतना कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम लोग का ब्रेकफास्ट में है बनाना है, जैम है, ब्रेड है और दूध। तो आप सब देखिए ही, ब्रेड को हमने बटर डाल के उसको गर्म किया और उसमें हम लोग देखिए इस तरह से ब्रेड में हम लोग पहले जैम को लगा रहे हैं, उसके बाद उसमें हम लोग बनाना कट किए हैं उसको अंदर में डाल दें, फिर ऊपर से ब्रेड लगा दे रहे हैं। इस तरह से खाने में जो मज़ा है ना, वाओ, और किसी चीज़ में नहीं ऐसा लगता है। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा है। और ये कुछ जंक फूड नहीं है, नेचुरली ये हेल्दी फूड है, अच्छा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ जंक फूड वगैरह खा रहे हैं। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है खाने में, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी टेस्टी है। तो मैं तो कहूँगी कि सबको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, बहुत मज़े है खाने में। तो ठीक है, ट्राई कर। मैं रेगुलर ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो गांव में रहती हूँ ना, तो गांव में इतना कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। तो इसलिए जब मिल रहा है तो क्यों ना मैं भी फ्रेंड के साथ उसको ज्वाइन करूँ, वो ऐसे ही खाती है। इससे आप लोग देख सकते हैं कि वो थोड़ी हेल्दी भी है और वो यही सब ब्रेकफास्ट करती है, तो मुझे भी यही सब खिला रही है। इसीलिए तो उसने ही मुझे कहा कि ये सब अच्छा है, यही सब ब्रेकफास्ट करना चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं भी जितना पॉसिबल हो पाएगा घर में भी करूँगी, खाऊँगी, पर जितना मिलेगा वही बोली कि ट्राई करके देखो। मैंने तो ट्राई किया, बहुत मज़ा आया, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, वीडियो को आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्या रहेगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्ट में आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप मेरा वीडियो देख सको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।